Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. दोस्तों आज काफ़ी गैप के बाद जो है इस चैनल पे मैं अपनी अगली वीडियो जो है अपलोड करने लग रहा हूँ और होप्सो के आगे भी अब कंटिन्यू रखूँगा। तो आप लोग पूछेंगे कि भाई इतने दिन तक कहाँ गया था। दोस्तों मैं जो है अपने दूसरे चैनल पे कंटेंट्स बना रहा था, उस पर वीडियोज अपलोड कर रहा था। उस पर जो वीडियोज़ हैं दोस्तों आपके काफ़ी काम की हो सकती हैं। तो यहाँ आई बटन में मैं जो है चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप सबको, वहाँ जाके आप चैनल में वीडियो सेक्शंस में जा सकते हैं और वीडियो सेक्शन में आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपको जो है कौन सी वीडियो उसमें पसंद आ रही है, आपको देख सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि उस चैनल पे सबसे पहली वीडियो जो थी उसी की एक ट्रिक थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप मुफ्त में गोल्ड पास कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आई है, कईयों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी करा था उसके रिगार्डिंग, उनके रिप्लाई भी मैंने करे थे जो भी उनकी क्वेरीज थे। तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, और उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों, ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें, आपसे कोई वीडियो जो मिस ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है हमारे इवेंट्स आ रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आज ही जो है अपडेट हुए हैं। तो इसमें पहला जो है वो तो वर्सेस बैटल वाला जो है उसका वीडियो है, तो वो तो अलग ही हो गया। बाकी जो तीन इवेंट है दोस्तों हमारी मेन होम विलेज के रिगार्डिंग है। पहले मैं कहता है कि आपको पता ही है कि वो डार्क जो है सारे डार्क ट्रूप्स की जो है उन्होंने कॉस्टिंग कम कर दी है, तो काफी सस्ते पड़ रहे हैं डार्क ट्रूप्स जो है आपको ट्रेन करना, प्लस उसमें कुछ मिल नहीं रहा आपको, बस सस्ते पड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है हेड हंटर पे जो इवेंट है और हमारा जो है विजार्ड भी इवेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दो इवेंट है प्लस जो है ये डार्क ट्रूप्स भी हैं, तो इन तीनों का हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं एक ही टाइम में, और एक ही अटैक में जो है हमारा डार्क ट्रूप भी सस्ते में पड़ जाएगा और हमारी ये जो बाकी दोनों के इवेंट की जो प्रोग्रेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, एक ही अटैक में सारे होने लग रहे होंगे। तो आप 10 अटैक करोगे और 10 अटैक आपके जो एक ही बार में दोनों इवेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो आर्मी हम देखेंगे कि किस तरीके से बनानी है। वैसे मैंने तो बना रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ उसका यूज कैसे करेंगे, एक जो हम लाइव अटैक यहाँ पे करके देखेंगे। तो चलो दोस्तों बिना वक्त जो है बर्बाद किए सीधा आर्मी की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है जैसा ही कहा था कि 5 हेड हंटर तो लेने ही है और 8 विजार्ड भी लेने ही लेने हैं, तो ये इससे कम आप रख नहीं सकते वरना आपका इवेंट में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा बाकी आप 8 से ज्यादा विजार्ड भी रख सकते हो, 5 से ज्यादा हेड हंटर भी रख सकते हो, बट हेड हंटर ज्यादा रखने का फायदा नहीं है, विजार्ड तो मर्जी है, मैं तो कहूंगा 8 भी बहुत है। बाकी दोस्तों आप क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस तरीके से डार्क ट्रूप सस्ते पड़ रहे हैं तो हम एलेजर क्यों खर्चे हैं, तो मैंने इसे एक डार्क की आर्मी यहाँ पे रेडी करी हुई है जो कि काफी पावरफुल जो है आर्मी है ये। तो जैसे सिंपली अभी तक मैंने आपको अपने अटैक में बताया हुआ था कि किस तरीके से विच और बोलर को एक ही अटैक में यूज करते हैं, सिंपल वही है, बस हेड हंटर एक्स्ट्रा है और विजार्ड्स एक्स्ट्रा है। तो हेड हंटर को तो अपन हीरो को मारने के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हमने कोई भी वॉल ब्रेकर नहीं ले रखा है तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे अर्थक्वेक स्पेल्स हैं, तो हमें बेस भी दोस्तों ऐसे ही सिलेक्ट करना होगा कि जो मैक्सिमम वॉल्स है हमारी एक बार में टूट जाए अर्थक्वेक स्पेल्स को यूज करके। तो आइए दोस्तों हम जो है जल्दी से अटैक करके देख लेते हैं कि कैसे अटैक होता है और कितना पावरफुल है, बाकी बेनिफिट्स तो आई सारे इवेंट आपके एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है अपन पहले इसको जो ये बुड्ढा है इसको अपन ग्राउंड में रख लेते हैं क्योंकि एयर आर्मी है नहीं हमारी। दोस्तों ये जो बेस है परफेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल इन्फर्नो भी हैं, हालांकि स्कैटर शॉट काफी ज्यादा डैमेज देगा यहाँ पे, बट खैर हमें एक स्टार भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, हमें तो इवेंट कंप्लीट करना है बस जैसे तैसे। तो यहाँ पे अपन अटैक स्टार्ट करते हैं, पहले हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं क्योंकि वॉल ब्रेकर हमारे पास है नहीं और ना ही मेरे पास जो है वॉल रैकर है। अपन अब जो है गोलम छोड़ते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, सीज बैरक्स हैं अपने पास, विजार्ड से थोड़ी क्लियरेंस देते हैं।
बेकार से हो गया बिल्कुल ही, अटैक सारे स्कैटर हो गए। बट खैर हमें तो 50% होने से मतलब है दोस्तों, इस आर्मी में रिस्क भी होता है, इसी तरीके से स्कैटर हो जाते हैं, तो बेटर होगा अगर आप वॉर लेटर लेके भी चलते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो कुल मिला के जो है हमारी बात यहाँ यही थी कि किस तरीके से हम एक ही आर्मी से अपने इवेंट जो है दोनों को एक तरीके से खत्म कर सके, तो ये उस तरीके से परफेक्ट आर्मी है। बाकी दोस्तों मेरा TH 13 है तो उसके हिसाब से स्पेस ज्यादा है, तो अगर आपका TH 12, 11 या 10 है या 9 है तो आपको देख के अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है ट्रूप्स के जो क्वांटिटी आपकी और कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं 70% हो गया, TH भी टूट गया, तो ये वर्थ इट ही था एक तरीके से, लूट भी मिली ये गोल्ड को छोड़ के, तो ठीक है ये बेटर हो सकता था और, बट कोई नहीं। तो यहां पर हम देख लेते हैं अब इवेंट में, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों जो है 1/1 out of 10 हो चुके हैं। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो जो है काफी पसंद आई होगी, बस इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए यार, आपको और अच्छी आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। कोशिश यही करता हूँ मैं पूरी यार, हर तरीके से मतलब एडिटिंग परफेक्ट हो, सही हो, तो पिछले पुरानी वीडियोस के मुकाबले भी एडिटिंग काफ़ी बेटर हो गई है। बाकी कंटेंट तो यार COC वालों पे है ना, वो जितने इवेंट्स हैं जितनी भी नई नई चीज़ें लाते हैं उसके रिगार्डिंग ये बना सकते हैं वीडियोस। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप सब जो है अपना ध्यान रखिए। टडा।